ओके जी, तो हम अभी एक कोट देख रहे थे जिसमें हमने दो फाइलें इंटरनेट से रीड की थी, और इंटरनेट से के बजाय हमारे गूगल ड्राइव पे हमने दो फाइलें रखी हुई थी, एक न्यूज़ फाइल थी और एक स्टोरी फाइल थी। उस फाइल से हमने वो न्यूज़ और स्टोरी रीड की थी, और रीड करने के बाद हमने उनको टोकनाइज किया था। टोकनाइज करने के बाद उनको की पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग की थी, और उसके बाद हमने काउंट किया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन उसमें कितने इस्तेमाल हुए हैं हर फाइल में। इन दोनों को मिलाकर एक वेरिएबल बन गया था, काउंट P12 स्टोरी स्टोरी का, और काउंट P12 न्यूज़ न्यूज़ का। और उसकी हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली थी, लेंथ ऑफ स्टोरी से डिवाइड कर दिया था। स्टोरी पी टेक्स्ट में टोकनाइज वर्ड्स मौजूद हैं, इसी तरह न्यूज़ पी टेक्स्ट में टोकनाइज वर्ड मौजूद हैं, तो हमने उस लिस्ट की लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास काउंट P3 स्टोरी आ गई थी, जिसमें जिसमें पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन, चाहे वो पर्सनल हो या पजेसिव हो, उनका काउंट मौजूद था स्टोरी वाले का। और काउंट P3 न्यूज में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो न्यूज में आए थे उसका काउंट मौजूद है, उसे भी हमने डिवाइड कर दिया स्टोरी के लेंथ से और न्यूज की लेंथ से, ताकि हमें परसेंटेज मिल जाए। डिवाइड हमने इसलिए किया कि नॉर्मलाइज करना जरूरी होता है। हो सकता है कि आपकी स्टोरी में सिर्फ 50 वर्ड्स होते और आपकी न्यूज में 500 वर्ड्स होते, तो न्यूज स्टोरी से 10 टाइम्स बड़ी है। तो अगर हम उसमें कोई फिनोमिना देखना चाहते हैं कि इसमें कितने प्रोनाउंस यूज हुए हैं या कितने आर्टिकल्स यूज हुए हैं, तो जाहिर है न्यूज उससे 10 टाइम्स बड़ी है, तो उसे उसमें 10 गुना आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए हम लेंथ से नॉर्मलाइज करके देख लेते हैं कि कितने परसेंट डील आया है। तो लेंथ से नॉर्मलाइज करके हमने जब देखा तो रिजल्ट हमें क्या नजर आ रहा है, थोड़ा सा उसे मैं स्मॉल कर लूं। फॉर द न्यू स्टोरी फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन 6.2%, और फॉर द न्यूज फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज 0%। तो जॉनरा एनालिसिस में और बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जॉनरा एनालिसिस पे जब जा रहे होते हैं तो एक तरीका ये भी होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन अगर बहुत ज्यादा स्टोरी हो रही है तो वो फिक्शंस है, और अगर न्यूज है या एकेडमिक जॉनरा है तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके मुकाबले में थर्ड पर्सन दोनों में तकरीबन बराबर ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो स्टोरी में भी थर्ड पर्सन इस्तेमाल हो रहा है 3.7, और न्यूज में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो एक जॉनरा देखने के लिए कि किस जॉनरा से ताल्लुक रखता है, तो उसमें फर्स्ट प्रोनाउंस देख लें, अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बहुत ज्यादा है तो वो फिक्शन होगा, अगर वो नहीं है तो वो नॉन फिक्शन होगा। ये एक बिल्कुल रफ सा आइडिया है। बताने का मकसद ये था कि अगर आपको जॉनर एनालिसिस टूल बनाना है तो इसकी बेसिक है, जितना ज्यादा आप वहां से फीचर डिस्कवर करते जाएंगे, उसको इसमें ऐड करते जाएं, और एक सिस्टम बनता जाएगा। तो ये सिंपल काम हो गया, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला था कि हमने बहुत सारी चीजें सेम चीज बार बार लिख रहे थे। आप इस कोड को देखें, ये कोड हमने लिखा था और ऑलमोस्ट काउंट P12 स्टोरी, ये स्टोरी के लिए था, और ऑलमोस्ट यही कोड हमने दोबारा से रिपीट किया था, सिर्फ जहां जहां स्टोरीज लिखा हुआ स्टोरी लिखा हुआ है उसकी जगह हमने न्यूज लिख दिया। तो एक ही कोड हम बार बार लिख रहे हैं। दो फाइलें रिप्लेस करनी थी, उसके टैग उनको टोकनाइज करने के लिए कोड रिपीट किया, उन्हें टैग करने के लिए कोड रिपीट किया, उनके टैग्स को काउंट करने के लिए कोड रिपीट किया, ये कोड बार बार रिपीट हो रहा है। अगर हमें 10 फाइलें करनी होंगी, क्या हम इसे 10 दफा लिखेंगे दोबारा से? अगर 100 फाइलें करनी होंगी तो 100 दफा लिखेंगे? तो इतनी चीजों कोड को बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए फंक्शंस हैं, अभी हम कुछ फंक्शंस यूज कर रहे हैं, जैसे लोअर एक फंक्शन है जो हम यूज कर रहे हैं, लेंथ एक फंक्शन है जो हम यूज कर रहे हैं। तो कुछ फंक्शन बिल्ट इन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हम खुद भी बना सकते हैं। तो हम फंक्शंस खुद भी बना सकते हैं, जैसे सिंपलेस्ट फंक्शन आप देख लें, एक सिंपल सा फंक्शन है एडिशन का। फंक्शन बनाने के लिए आप डेफ लिखेंगे, DEF डेफ, इसका मतलब है हम फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, डेफ फॉर डिफाइन। फंक्शन का नाम एड, जो भी चाहे हम नाम रख दें,
उसके बाद उसके पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, नम वन पहला नम एक नंबर, और नम टू, ये वेरिएबल के नाम है आप जो भी रखते हैं। तो एक सिंपल सा फंक्शन बनाना है ऐड, जो दो नंबर्स को ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा। तो हमने इस फंक्शन से दो नंबर पास करेंगे, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया सम और उसमें नम वन और नम टू को ऐड कर दिया, और आखिर में हमने हमारे जो सोल्यूशन मिला है, जो रिजल्ट मिला है, अगर हम उसे रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न सम लिखा और उसने ये रिटर्न, जैसे हमने लेंथ के साथ एक स्ट्रिंग भेजते हैं वो स्ट्रिंग की लेंथ बता देता है, लेंथ के साथ एक लिस्ट भेजते हैं उस लिस्ट की वो लेंथ बता देता है, इसी तरीके से आपने सम दो नंबर पास किए, उन नंबर्स को ऐड करके वेरिएबल सम में उसने रख लिया और वो वेरिएबल सम उसने रिटर्न कर दिया। अब अगर हम ऐड टू थ्री करेंगे तो टू और थ्री यहाँ पे जाएंगे, नम वन की वैल्यू टू हो गई, नम टू की वैल्यू थ्री हो गई, 2 + 3 = 5, और हमने सम इज इक्वल टू 5 रिटर्न कर दिया, तो जब इसे रिटर्न करेंगे तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। नेम ऐड इज नॉट डिफाइंड, तो डिफाइन किया। अच्छा, मैं सिर्फ ये नीचे वाला चला रहा हूं, ऊपर वाले को मैंने रन नहीं किया, ऊपर मैंने डिफाइन किया है और उसके बाद मैं इसको रन कर रहा हूं। अच्छा, 5 10 जब भेजा तो नम वन में 5 चला गया, नम टू में 10 चला गया, 5 + 10 = 15, और उसने रिटर्न 15 किया, 15 आके यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आपने एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया। अब हम एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाएंगे कि ये वाला जो कोड है इस कोड को किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं एक फंक्शन में। तो इसको कॉपी पेस्ट करके इसमें माइनर चेंजेस किए हैं ताकि हमें यही कोड बार बार ना लिखना पड़े। लेकिन उससे पहले एक एक्सरसाइज है, आपको दो एक्सरसाइजेस दी हैं, एक एक्सरसाइज नंबर टू ये है, एक्सरसाइज नंबर वन ऊपर मिस हो गई, मैं अभी वो भी बता देता हूँ। राइट अ फंक्शन डेट कैलकुलेट्स द सम ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो आपको एक फंक्शन लिखना है जिसे लिस्ट ऑफ नंबर्स पास करेंगे, और मैंने थोड़ा सा उसका स्केलेटन लिख दिया है, यानी ये एड लिस्ट और उससे लिस्ट ऑफ नंबर पास कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो सम स्टार्ट कर दिया 0 से, और यहाँ पर आपको आइट्रेशन करनी है, फॉर रखकर कुछ ना कुछ करना है, और आखिर में जो सम आ जाएगा उसे रिटर्न करना है। तो इस तरह से हो सकता है एट लिस्ट हम 1 2 3 4 पास करें, तो वो यहाँ पे इन सबको सम करे किसी तरीके से, और आखिर में 1 2 3 4, 1 और 3 3 3 3 6, और 6 और 4 10 10 रिजल्ट दे दे। इसी तरह से इसे जब हम ऐड करें तो 5 + 5 = 10 17 और 28, इसका रिजल्ट 28 रन कर दे। तो यहाँ पर आपको कुछ छोटा सा कोड लिखना होगा कि इस लिस्ट को जो ये पास हो जाएगी उसको किस तरीके से ऐड करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये करके आप मुझे भेज दीजिएगा। एक और एक्सरसाइज नंबर वन रह गई थी, वही योनरा एनालिसिस वाली, कि आप सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम एसेज ऑफ टू डिफरेंट स्टूडेंट्स, किसी भी दो डिफरेंट स्टूडेंट से या दो डिफरेंट कुलीग से अपने एसेज लिए, और उसमें कंपेयर द यूजेज ऑफ आर्टिकल ए एन वर्सेस द, के पहले वाले स्टूडेंट ने अपने एसे में ए और एन कितनी दफा इस्तेमाल किया है, और द कितनी दफा यूज किया, और दूसरे ने क्या यूज किया है। ये भी अक्सर रिसर्च में ये देखा जाता है कि पाकिस्तानी और इंडियन इंग्लिश में ए और एन का रेशो, ए और द का रेशो वो नहीं होता जो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में होता है, क्योंकि हमारा आर्टिकल का सिस्टम मुख्तलिफ है ब्रिटिश और अमेरिकन के हिसाब से। तो नेटिव पाकिस्तानी और या इंडियंस जब इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो ये गलतियां कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों में इन आर्टिकल्स को स्टैंडर्ड ब्रिटिश या स्टैंडर्ड अमेरिकन की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और इसको कंपेयर करके देखा जा सकता है। तो आप ये देखिएगा कि दो स्टूडेंट्स या ज्यादा स्टूडेंट्स का आपने एसेज लिए, और फिर आप कंपेयर करके देखें कि उन में क्या इनके यूजेज परसेंटेज में फर्क है या नहीं है। तो ये कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की एग्जाम्पल, ये कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स के मुकाबले में मैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की तरफ ज्यादा चला गया हूँ एग्जाम्पल्स में। अच्छा, अब ये हो गया, अब हम फंक्शन बना रहे हैं जो हमारा असल फंक्शन है। हमने फंक्शन बनाया काउंट प्रोनाउन, हमने फंक्शन बनाया काउंट प्रोनाउन,
प्रोनाउंस और उससे एक टेक्स्ट पास किया। टेक्स्ट पास करने का मकसद यह है कि फाइल से हमने रीड कर लिया है और उसके बाद हमारे पे स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, उन स्ट्रिंग्स को हमने इससे पास करेंगे और वो हमें प्रोनाउंस पास करके देगा। यहाँ हमने फिर आई वी स्मॉल वाला यूज कर लें, आई यू वी माई, और ये वही चीजें दोबारा से हमने लिख दी। अच्छा, उसके बाद पी टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमने पास किया उसे टोकनाइज किया NLTK.NLTK से। अच्छा, ये फंक्शन इसलिए चलेगा कि ऊपर हम इंपोर्ट कर चुके हैं NLTK और ये चीजें डाउनलोड कर, और दो जो पंक्ट है और टैगर है वो डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आपको ये स्टैंड अलोन फंक्शन चाहिए तो वो तीन लाइनें भी यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी, ये तीन लाइनें, ये वाली तीन, ये तीन चीजें भी आपको, आप अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं कि ये फंक्शन बिल्कुल सही काम करता है तो इस फंक्शन में आपको ये तीन चीजें भी चाहिए। तो क्योंकि ऊपर डिफाइन था तो हमने उसे दोबारा से डील नहीं किया, लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं कि ये तीनों चीजें अगर नहीं होंगी तो ये नहीं चलेगा। हैश का मतलब है मैंने इसे कमेंट कर लिया, कमेंट अब ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सब जस्ट हमें याद दिलाते रहेंगे कि ये तीन चीजें भी थी। अच्छा, अब उसके बाद हमने टोकनाइज किया, लास्ट टाइम भी ये हो रहा था, तो पी टेक्स्ट में वैल्यूज आ गई, टोकनाइज होके आ गए, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड। अब ये जो टोकनाइज वर्ड्स आ गए उसको हमने प्योर स्टैक किया, तो हमारे पास वही टपल्स आ गए कि आई कॉमा पी आर पी है, पाइथन कॉमा एन एन पी है, इज कॉमा वी बी पी है, ये चीजें आ गई। फिर हमने काउंट रखे, काउंट पर्सन फर्स्ट और सेकंड पर्सन के और काउंट थर्ड पर्सन के। उसके बाद वही वाला कोड, लेकिन अब हर एक के साथ हम अंडर स्कोर स्टोरी और अंडर स्कोर न्यूज नहीं लगा रहे, बल्कि एक ही दफा उसे रख रहे, बाकी लॉजिक वही है। टैग, टैग्स को हम देखेंगे, अगर टैग वन में टैग होता है तो टैग अगर पी आर पी है, पर्सनल प्रोनाउन है, या पजेसिव पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन है, तो हम उसे क्या करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे और पी वन टू वाली लिस्ट में देख लेंगे कि वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन की लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। अगर है तो हम काउंट पी वन टू को एड में वन ऐड कर देंगे, एल्स इफ अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो हम उस वाले को सर्च करेंगे, वर्ड को सर्च करेंगे पी थ्री लिस्ट में जिसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन मौजूद है, और अगर वो उस लिस्ट में मौजूद है तो फिर हम उसमें वन ऐड कर देंगे। एंड आखिर में आके फिर रिटर्न हमने करवा दिया काउंट पी वन टू और काउंट पी थ्री। अच्छा, जिन लोगों ने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है, जावा में या सी में, वो ये देख लें कि बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में होता यह है कि आप सिर्फ एक चीज रिटर्न करते हैं, एक वेरिएबल रिटर्न करते हैं। पाइथन में आप मल्टीपल वेरिएबल्स रिटर्न कर सकते हैं, तो मल्टीपल वेरिएबल्स एज अ टपल रिटर्न हो जाता है। तो हमने दो वेरिएबल रिटर्न करने हैं, काउंट पी वन टू और काउंट पी थ्री। ये एग्जीक्यूट हो गया, ये फंक्शन बन गया, अब इस फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूँ। एक दफा मैंने स्टोरी टेक्स्ट के लिए यूज किया, एक दफा मैंने न्यूज टेक्स्ट के लिए यूज किया, और एक दफा मैंने वो जो हमने पिछली दफा टेक्स्ट लिया था ये वाला, इस टेक्स्ट में वी आर लर्निंग पाइथन दे ऑलरेडी नो, इसमें उसने सर्च करके हमें बता दिया कि इसमें 15 स्टोरी टेक्स्ट में 15 फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और 9 जो है वो थर्ड पर्सन है, 0 इस न्यूज में 0 फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन 7 है, और इस वाले में 1 फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है वी और 1 थर्ड पर्सन है दे। तो आपके पास एक फंक्शन आ गया, वो जो इतना सारा कोड था वो छोटा होके एक कोड में हो गया। अब आपको जो भी टेक्स्ट देना हो वो टेक्स्ट को बस काउंट प्रोनाउन से पास करें और आपको उसमें नंबर ऑफ प्रोनाउंस मिल जाएंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिल जाएंगे। तो फंक्शन बनाना आसान होता है, वरना आपको अगर 100 फाइलें क्रिएट करनी होती तो आप क्या 100 दफा काउंट के वेरिएबल बना रहे होते, जाहिर है वो बहुत मुश्किल होता है। इस काम के लिए फिर फंक्शन बनते। तो आपको मैंने फिर दो असाइनमेंट्स एक्सरसाइज
टू में आपको इस लिस्ट में देखना है और एक्सरसाइज वन में आपको फिर मैंने यहाँ पे एक्सप्रेसिवली नहीं लिखा है कि फंक्शन के थ्रू करें, लेकिन आप कोशिश कर लें किसी भी फंक्शन के थ्रू कर लें और जस्ट एक्सप्लोर करें कि क्या लोग आर्टिकल्स एक ही तरह से यूज करते हैं, एक ही अगर ऐसे किसी ने क्लास में असाइनमेंट में कोई ऐसे लिखने को मिला है, एक ही टॉपिक पे लोगों ने लिखा है, तो क्या उसमें उनके आर्टिकल्स सेम तरह से यूज हुए थे या उन्होंने की परसेंटेज में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है।